हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कृषि कानून का मसला, किसान जो हैं अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है तीन कृषि कानूनों के खिलाफ। बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। तीनों ही कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है और ऐसे में विरोध के बीचों बीच सुप्रीम कोर्ट ही मसला किसान अब लेकर दिन लगातार जारी है। सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए हैं। किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है तमाम विपक्ष की पार्टियों के नेता। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। राजा, अभी फिलहाल क्या ताजा अपडेट मिल पा रहा है? अभी किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है, इसे लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, जिस तरीके से अब लगातार जो सरकार से बातचीत है लगातार विफल होती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर सरकार ने कहीं ना कहीं अपना रुख साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर हम कानून को वापस नहीं लेंगे। तो उसको लेकर जो भारतीय किसान यूनियन के तमाम बड़े पदाधिकारी हैं, तमाम बड़े नेता हैं, उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई जवाब इस पर नहीं आया, पर किसान यूनियनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। तो ऐसे में किसान यूनियन अब चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कोर्ट इनका फैसला करे, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें सिंधु बॉर्डर, यहाँ पर जिस तरीके से किसान डटे हुए हैं, पिछले आज 16वां दिन है, 16वें दिन से लगातार यहाँ पर किसान डटे हुए हैं। ऐसे में जो किसानों की संख्या है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में दिन प्रतिदिन किसानों की तबीयत ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि खुले आसमान के नीचे कहीं ना कहीं सोते हैं ये, रात को काफी ज्यादा यहाँ पर ठंड होती है। तो उसको लेकर जो किसान यूनियन है, उन्होंने लगातार कल भी मंथन किया था, आज सुबह भी इस बारे में विचार विमर्श किसान यूनियन कर रहे हैं कि आखिरकार कब तक किसान ऐसे खुले में बैठा रहेगा, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर अपना रुख साफ कर दिया है। किसान संशोधन की बात तो सरकार कर रही है, तमाम जो वादे कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं पूरे करने की बात कर रही है। एमएसपी पर लिखित में आश्वासन देने की बात कर रही है, पर कानून को हटाने की, कानून को रद्द करने की बात साफ तौर पर सरकार नहीं कर रही। तो उसको लेकर किसान यूनियन है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कहीं ना कहीं खटखटाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि दूसरी बड़ी खबर यह है कि जो किसान तमाम जो किसान है जो कि दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं, रेड लाइट एरिया है, ऐसे में महामारी एक्ट के तहत किसानों पर जितने भी किसान हैं उनके खिलाफ दिल्ली में मुकदमा, दिल्ली का जो आलीपुर थाना है वहां पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। तो ऐसे में सरकार अब एक्शन मोड में साफ तौर पर नजर आ रही है। जी नंदिनी। हाँ जी बिल्कुल राजा भाई, अगर बात करें, देखिए अभी किसानों के इस आंदोलन को जैसे जैसे, देखिए 16वां दिन हो चुका है, किसान लगातार डटे हुए हैं सिंघू बॉर्डर पर। ऐसे में एक और हथकंडा अपनाया गया, किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई कल कोरोना को लेकर, महामारी एक्ट के तहत और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने का आरोप लगाया गया है। तो ऐसे में इसे लेकर क्या जानकारी फिलहाल वहां मिल पा रही है? बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का जो आलीपुर थाना है वहां पर तमाम जो किसान हैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि 16 दिन से ये जिस तरीके से यहाँ पर डटे हुए, रेड लाइट है यहाँ पर और तमाम राज्यों की कनेक्टिविटी यहाँ से जाती है, क्योंकि नेशनल हाईवे है, ऐसे में तमाम अलग अलग राज्यों के लिए यहाँ से बसेस की बात करें, बड़े बड़े ट्रकों की बात करें, कहीं ना कहीं जाते हैं खाद्य सामग्री लेकर, तो वो बाधित करते हुए साफ तौर पर। दूसरी तरफ कोरोना महामारी चल रहा है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना किसान जो है वो नहीं कर पा रहे, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं कोरोना एक्ट के तहत ये सारे मामले दर्ज किए गए। को लेकर जो किसान यूनियन है, किसान है, उनमें काफी ज्यादा रोष है। साफ तौर पर हम लगातार किसान नेताओं से टच में है, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो सरकार मुकदमे वापस करने की बात कह रही है, किसानों को मनाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जिस तरीके से मुकदमे दर्ज हुए ये काफी निंदनीय है और इसका कहीं ना कहीं वो रोष भी प्रकट करते हैं। पर जिस तरीके से किसान यूनियन की बात करें, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, हालांकि देखने वाली बात होगी कि कोर्ट की तरफ से क्या जवाब आता है। ऐसे में सरकार भी लगातार कोशिशें कर रही है कि किसानों को समझाया जाए और जो भी उनकी मांगे हैं, क्योंकि लिखित प्रस्ताव सरकार दे चुकी है, उसको किसान ठुकरा चुके हैं, पर जिस तरीके से किसान अपने अपनी बातों पर अटे हुए हैं, साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि हम यहीं पर डटे रहेंगे, चाहे हम पे मुकदमे दर्ज कर ले सरकार, चाहे हम पे गोलियां चलवा ले, चाहे हम पे लाठी डंडे चलवा ले, जब तक कानून रद्द नहीं होता हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। जी जी बिल्कुल राजा भाई, अगर बात करें अब आगे किसानों की रणनीति की, जैसा कि अब किसान सुप्रीम कोर्ट तो एक तरफ पहुंच गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ किया जाएगा कि वो इस याचिका पर सुनवाई करेगी या फिर नहीं करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री द्वारा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की काफी ज्यादा सराहना करी है। तो कुल मिलाकर सरकार का जो रुख है वो अड़िग है इस बात को लेकर कि कानून रद्द नहीं होगा, बीच का रास्ता निकाला जाए। और किसान वहीं दूसरी तरफ अब जाहिर तौर पर परेशान है कि सरकार
कृषि कानून वापस नहीं ले रही है और लगातार सर्दी भी पड़ रही है, तो ऐसे में किसान खुले में सो रहे हैं, कई लोगों की जान जा रही है, कोरोना का खतरा भी लगातार बना हुआ है, तो ऐसे में इसे लेकर किसानों के आगे क्या रणनीति हो सकती है? और 12 तारीख और 14 तारीख को लेकर जो किसानों ने ऐलान किया है उसे लेकर क्या तैयारी? जी नंदिनी, बिल्कुल। जिस तरीके से मैं पहले आपको बताऊं कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आज ट्वीट किया है, जिस तरीके से कल हर एक बारीकी को कृषि मंत्री जो हैं उन्होंने समझाने की कोशिश की है मीडिया ब्रीफिंग के जरिए, तो लगातार मैसेज देने की सरकार की कोशिश की जा रही है कि तमाम जो वादे हैं, जो किसान जो वादे कर रहे हैं उन पर हम लिखित में आश्वासन दे रहे हैं, उसके बावजूद भी किसान धरना समाप्त नहीं करने में। दूसरी ओर किसानों की बात करें, साफ तौर पर वो इस बात पर डटे हुए हैं कि जब तक कृषि कानून को खत्म नहीं करती सरकार, रद्द नहीं करती, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। वहीं जिस तरीके से बात करें कोरोना, तो जानकारी ये मिल रही है कि जो बड़े नेता हैं उनको भी कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर कहीं ना कहीं हुआ है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर डर और भय बना हुआ है। जिस तरीके से नंदिनी मैं आपको बता दूं, खुले आसमान के नीचे किसान सो रहे हैं, लगभग 25 किसानों की बहुत बड़ी बात है नंदिनी, अलग अलग जो बॉर्डर है वहां पर तमाम जो किसान, जो जानकारी मिल रही है कि 25 किसानों की कहीं ना कहीं यहाँ पर मौत हो चुकी है। ऐसे में जो खुले आसमान के नीचे यहाँ पर सो रहे हैं किसान, उनको काफी ज्यादा मुसीबतें हैं, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर डॉक्टर की टीम पहुंचती है, लगातार किसानों को चेकअप करती है, तो कई ऐसे किसान हैं जिनको काफी लंबी बीमारी है, तो उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो किसान यूनियन है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है नंदिनी की किसी भी कीमत पर वो कानून को नहीं हटाएंगे, संशोधन जरूर करेंगे, लिखित जो प्रस्ताव दिया है उस पर विचार जरूर करेंगे, पर जो किसान यूनियन है वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जब तक इस कानून को हम रद्द नहीं करवाते, जब खत्म नहीं करवाते, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर राजा आप देखते हैं कि आगे क्या रुख किसानों का और सरकार का इस पर होता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या फैसला लिया जाता है, ऐसे कई सवाल कृषि आंदोलन को लेकर लगातार खड़े हो रहे हैं। अगर 12 तारीख और 14 तारीख की बात करूं तो आम लोगों को कितना प्रिपेयर होना चाहिए कल के दिन के लिए और आगे के आंदोलन को लेकर, क्योंकि दिल्ली जयपुर हाईवे, दिल्ली आगरा हाईवे तक पर किसान जो है जाम की स्थिति कल पैदा कर सकते हैं, कल टोल फ्री कराया जाएगा, और ऐसे में अब प्रशासन की तरफ से जो तैयारी है वो किस तरीके से की जा रही है? बिल्कुल नंदिनी, 12 तारीख की बात करें और 14 तारीख की बात करें, जिस तरीके से 12 तारीख को तमाम जो किसान यूनियन है उन्होंने तमाम जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, उनको ब्लॉक करने की बात की और टोल प्लाजा को फ्री करने की बात की है, तो ऐसे में जिस तरीके से बात करें प्रशासनिक अधिकारियों की जो तैयारियां हैं उनको वो कहीं ना कहीं पूरी पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट दिख रहे हैं। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में तमाम अलग अलग जो ऐसे पॉइंट है जो नेशनल हाईवे पर कनेक्ट होते हैं, उन सभी हाईवे को कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने घेर रखा है, तमाम जो फोर्सेज वहाँ पर लगा रखे हैं। वहीं जयपुर हाईवे की बात करें तो वहाँ पर भी तमाम फोर्सेज लगा दी, तो प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें या सरकार की, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं लोगों की बात करें तो लोगों में साफ तौर पर भय का माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से रोड ब्लॉक की बात की है और टोल प्लाजाओं को फ्री करने की बात की है, तो ऐसे में लोगों में भी कहीं ना कहीं भय का माहौल बना हुआ है। जी जी बिल्कुल राजा, तो कहीं ना कहीं लोग जो है परेशान भी हैं कल के दिन को लेकर कि अब आगे जो है, अभी तक देखिए सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, सिंघू बॉर्डर पूरी तरीके से ब्लॉक है, जिसकी वजह से जो डाइवर्टेड रूट्स हैं उन पर लोग जरूर ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, तो अब डर कहीं ना कहीं इस बात का भी है कि और जो इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं दिल्ली से सटे हुए, कहीं वो भी जाम ना कर दे किसान। ऐसे में सरकार इन सब परिस्थितियों कैसे जो है आगे इस पर रोक लगा सकती है या किसी तरीके से इसको संभाल सकती है, क्योंकि अगर ऑलमोस्ट सारे जो दिल्ली जाने वाले रास्ते हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे तो स्थिति बहुत ज्यादा जटिल, बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगी। बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से दिल्ली की बात करें, साफ तौर पर पहले ही यहाँ पर बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है, तमाम जो व्यापारी हैं वो काफी ज्यादा कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों से, क्योंकि साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि जो भी नेशनल हाईवे हैं, चाहे हम सिंधु बॉर्डर की बात करें, अलग अलग बॉर्डरों की बात करें, वहां से दिल्ली के लिए तमाम जो सामान यहाँ पर दिल्ली में आता है तो वो कहीं ना कहीं बाधित होता हुआ नजर आया, हालांकि रूट डाइवर्ट कर कहीं ना कहीं सामान जरूर पहुंच रहा है, पर जिस तरीके से लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, साफ तौर पर जो दिल्ली के लोग हैं वो काफी ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि जो सब्जियां हैं, चाहे फलों की बात करें, अलग अलग सामानों की बात करें, जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर दिल्ली में पहुंचती है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। जी, एक और इम्पोर्टेंट बात राजा, जो आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगी कि दो आईपीएस ऑफिसर जो वहां पर तैनात थे सिंघू बॉर्डर पर, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसे लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है?
जी बिल्कुल, देखिए जो जो सिंधु बॉर्डर पर जो आईपीएस ऑफिसर थे, जो बड़े अधिकारी हैं, उनको उनकी कहीं ना कहीं टेस्टिंग हुई है और साफ तौर पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो साफ तौर पर जो लगातार यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है, पर किसानों की तरफ से साफ तौर पर टेस्टिंग के लिए मना कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े लेवल के अधिकारी वो कोरोना पॉजिटिव हैं। हालांकि उनको यहाँ से अब हटा दिया गया है, उनका उपचार कहीं ना कहीं चल रहा है, पर जिस तरीके से महामारी एक्ट के तहत किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, तो शायद अंदेशा यही लगाया जा रहा है, क्योंकि तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं यहाँ पर, बड़े अधिकारी हैं, चाहे डीसीपी की बात करें, एसीपी लेवल की बात करें, तमाम अधिकारी यहां पर डटे हैं, और ऐसे में महामारी का खतरा दिल्ली में बना हुआ है। तो साफ तौर पर इसी के तहत इन किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ी चुनौती है नंदिनी, और ऐसे में जिस तरीके से लाखों की संख्या में यहाँ पर कहीं ना कहीं किसान डटे हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल भी यहाँ पर पालना नहीं हो पा रही, और प्रशासनिक अधिकारियों को भी यहाँ पर सोचना चाहिए, क्योंकि इतना 16वां दिन है, और आज ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना महामारी का खतरा बना हुआ है, शुरू से ही लगातार जो किसान यहाँ पर डटे हुए हैं, ऐसे में जो लोकल लोग हैं उनमें काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है, वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम परेशानी फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर और भय है कि आखिरकार हम यहाँ से निकले, क्योंकि जहां पर किसान डटे हुए, नंदिनी मैं आपको बता दूं, ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, सोनीपत का इंडस्ट्रियल एरिया, ऐसे में कई इंडस्ट्री भी बंद है, तो ऐसे में लोगों में भय भी बना हुआ है। और साफ तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि दो बड़े अधिकारियों को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, तो अब और ज्यादा भय का माहौल कहीं ना कहीं इस आंदोलन में बनता हुआ नजर आएगा, पर किसानों ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हम किसी भी कीमत पर कोरोना टेस्ट नहीं करवाएंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजा तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर हलचल और ज्यादा तेज हो गई है, आज के जो ताजा अपडेट हैं, किसान इस मुद्दे को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और वहीं दूसरी तरफ दो आईपीएस ऑफिसर जो सिंघू बॉर्डर पर ही तैनात थे, उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो ऐसे में जो टेंशन है प्रशासन की और ज्यादा बढ़ गई है कि दो आईपीएस ऑफिसर का कोरोना पॉजिटिव आना, जो सिंघू बॉर्डर पर तैनात थे, कहीं ना कहीं बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये एक अलार्मिंग टाइम है, लेकिन किसान अपना कोरोना